our universe. जो देश है बिल्कुल यूनिक देश है, उसमें तरह तरह के रंग हैं, कई कल्चर्स, कई लैंग्वेजेस और सब जुड़े हुए हैं हम एक दूसरे से। इतनी सदियों पुरानी सभ्यता है हमारी, दुनिया को हम मिसाल दे सकते हैं कैसे इकट्ठे रहते हैं हम। स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, सारे राष्ट्र का ध्यान आपके तरफ है और हम सब आपको बधाई देते हैं। यह एक ऐतिहासिक कदम है। मेरी आशा है कि इससे हमारा देश अंतरिक्ष के प्रति जागरूक होगा। भारत के नागरिक होने के नाते आपको धन्यवाद देता हूं और मेरे क्रू मेंबर्स भी मेरे साथ आपको धन्यवाद देते हैं। ऊपर से भारत कैसा दिखता है आपको? जी, मैं बगैर किसी झिझक के कह सकता हूं कि सारे जहां से अच्छा दिखता है। मैं समझता हूं कि अगर हम देखें कि हमारी हिस्ट्री क्या रही है इतने सालों से, जैसे हमारी सभ्यता है, मैं तो कन्विंस्ड हूँ कि अगर इस दुनिया को कोई भी कंट्री लीडरशिप दे सकती है फ्रॉम अ मॉरल स्टैंड पॉइंट, वो भारत ही हो सकता है। जो भारतीय है, भारतीय वैज्ञानिक, आम आदमी जो है वो कहीं आगे है बाकी लोगों से। मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर, और हम इतने ज़्यादा हैं, हमारा रिसोर्स बेस इतना ज़्यादा है, तो मैं यही कहूँगा कि अगर हम सब अपना इंडिविजुअल पोटेंशियल रियलाइज़ कर पाएँ और अपने आप के बजाय अपनी टीम या अपनी कंट्री के बारे में सोचें। हर एक बंदे की कैपेबिलिटीज़ अलग होती हैं। जो भी हो, तो आप अपने पोटेंशियल को रियलाइज़ करिए, काम करते जाइए, बदलाव ले आइए अपने में और बाकियों जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, और ये करने से ही हमारी पीढ़ी आगे बढ़ेगी और हम सबको खुशियाँ मिलेंगी।